हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में कॉमिक्स बुक्स तो ज़रूर पढ़ी होंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पुराने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और कॉमिक्स की दुनिया में वापस एक बार चलते हैं। हमारा सबसे पहला प्यारा कॉमिक कैरेक्टर है चाचा चौधरी, जो 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया। चाचा चौधरी जो एक कॉमिक करेक्टर जिसको कार्टूनिस्ट प्रेम कुमार शर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था। चाचा चौधरी के साथ साबू, बिन्नी, चाची, रॉकेट, पिंकी, लकी, बिल्लू हम लोगों को याद आ रहे होंगे। इस पर बहुत सारी टेलीविज़न पर शो भी बनाया गया। प्राण ने जो करेक्टर चाचा चौधरी इंट्रोड्यूस किया था वो एंशियंट फिलोसफर चाणक्य से इंस्पायर हो करके बनाया। जो भारतीय बच्चे जिनकी उम्र 10 से 13 साल के बीच में थी, उन्होंने चाचा चौधरी को सबसे ज़्यादा प्यारा रिकॉग्नाइजेबल कॉमिक करेक्टर बताया। इसके साथ में साबू भी हमको याद होगा, जो जुपिटर से आया था और चाचा चौधरी के साथ में रहने लगा। दूसरा हमारा प्यारा सा कॉमिक करेक्टर है सपंडी, जो 1983 में आया। यह एक हास्य चरित्र है जो टिंकल कॉमिक्स में दिखाई देता है, जिसके रचयिता राम वीराकर जी हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमिक कैरेक्टर है द कॉमन मैन, जो 1951 में आया। इसको इंडियन ऑथर और कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इसको यू सेड इट टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन में न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। और कॉमन मैन एक दशक तक जो है वो एक साधारण आदमी की आशाएं, उसकी अपेक्षाएं और उसकी परेशानियों को का विवरण करता रहा। अब आप बात करते हैं बच्चों के फेमस कार्टून कैरेक्टर मोटू और पतलू की। मोटू और पतलू जो स्टार्स थे लोटपोट कॉमिक्स के, इस पर एक टेलीविज़न सीरीज़ भी बनाई गई, जो लगभग 4 दशकों से बच्चों का मनोरंजन कर रही है। मोटू इसमें एक बहुत ही मोटा और एक फ्रेंडली आदमी है, जो समोसों का बहुत ज़्यादा शौकीन है। और उसका दोस्त पतलू एक बहुत ही दुबला पतला आदमी है, जो न्यूज़पेपर कभी पढ़ नहीं पाता है, परंतु उसको हमेशा अपने साथ रखता है और कहता है बुरे के साथ बुरा हो भैया, जो लोटपोट कॉमिक्स के। अब बात करते हैं अपने प्यारे से कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी के बारे में। बचपन की बात हो और टॉम एंड जेरी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टॉम एंड जेरी अमेरिकन एनिमेटेड मीडिया फ्रेंचाइजी हैं, जिसको 1980 में क्रिएट किया गया था विलियम हाना और जोसेफ बारबीरा द्वारा। और टॉम एंड जेरी से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बन चुकी हैं, कॉमिक बुक्स रिलीज़ की जा चुकी हैं और अब इसके मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ में टॉम एंड जेरी बड़ों का भी फेवरेट रहा है और ये दशकों से बच्चों और बड़ों और सबका मनोरंजन करता रहा है। एम्परर कृष्णदेव राय विजयनगर के दरबारी तेनाली राम पर कई सारी कॉमिक बुक्स और टेलीविजन सीरीज बनाई गई। बेताल 25 पर आधारित मैथोलॉजिकल टीवी सीरीज लॉन्च की गई 1985 में, जिसमें विक्रम का सिंबॉलिक नाम था विक्रमादित्य एम्परर। इस पर भी कॉमिक्स और टेलीविज़न सीरीज बनाई गई, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। रोल नंबर 21 आज 2010 में लॉन्च की गई टेलीविज़न सीरीज है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें ही बेन 10 बच्चों में विशेष लोकप्रिय सुपर हीरो है। मिस्टर बीम अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए टीवी और बच्चों बड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। छोटा भीम मोस्ट लव्ड कार्टून कैरेक्टर है आज का, जिसकी लाइफ की स्टोरी बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ भीम, जो एक छोटे से विलेज ढोलकपुर में रहता है। भीम अपनी लड्डुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कालिया, ढोलू, बिल्लू भी प्रमुख किरदार में है, जो बच्चों और बड़ों के बीच में लोकप्रिय और चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
डिज्नी के कैरेक्टर्स मिकी माउस आपको टीवी के साथ साथ में बाज़ार में भी सब जगह मिल जाएंगे। अमरीकी एनिमेटेड कॉमेडी शॉर्ट फिल्म वॉल्ट डिज्नी का कैरेक्टर क्रिएट किया गया था 1928 में और इसको वॉइस दी गई थी टूडल्स। और डोनाल्ड डक भी एक कार्टून कैरेक्टर है जिसे वॉल्ट डिज्नी ने ही क्रिएट किया था। ये दोनों डिज्नी कैरेक्टर्स जो हैं वो बचपन से ही बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। इन कार्टून कैरेक्टर्स का अब बाजारीकरण भी कर दिया गया है। इससे संबंधित आपको खिलौने, बैग्स, जूते, कपड़े और पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स पर आपको इनके मीम्स भी मिल जाएंगे। आज इनकी वर्थ जो है वो बिलियन। सभी कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं और सभी को ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कार्टून कैरेक्टर्स को सही रूप में पोर्ट्रेट किया जाए क्योंकि ये बच्चे इनको फॉलो करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।